तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम की जिनमें तुम्हें पार्ट लेना चाहिए एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैं भी इनमें से कुछ कम्युनिटीज का पार्ट था दैट हैव है मी अ लॉट सबसे पहले वाज अ पार्ट ऑफ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब जिसके कारण मुझे गोवा का एक स्पॉन्सर ट्रिप मिला था अलॉन्ग विद काफी सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग करने का चांस मिला था सेकंडली आई आज एडब्ल्यू एस क्लाउड एम्बेडर एंड माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्वेडर तो ये सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं क्या तुम्हें इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वीडियो में जान रहे होंगे एंड करंटली एमेजन का एडब्ल्यू एस क्लाउड कैप्टन इज ओपन एंड का स्टूडेंट एक्सपर्ट इज ओपन तो इन दोनों पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे कैसे तुम इनमें अप्लाई कर सकते हो क्या हार्ड डेडलाइंस हैं क्या तुम्हें एप्लीकेशन प्रोसेस में डालना चाहिए सो दैट यू गेट सिलेक्टेड एंड क्या कुछ चीजें हैं जो तुम्हें इन पर्टिकुलर प्रोग्राम से मिल रही होंगी तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सबसे पहले क्वेश्चन वाली चीज है यार आई डोंट एडवोकेट एनी कैंपस एम्बेडर प्रोग्राम जो इंडिया में रन करते हैं जो कंपनी मेजरली सिर्फ सेलिंग करवाती है एज सेल्स मैन यूज करती है अपने स्टूडेंट्स को तो आई डोंट एडवोकेट एनी ऑफ दो नहीं एडवाइस करूंगा कि किसी भी कंपनी का कैंपस एम्बेसिडर बनो जो स्वैक्स एंड गुडीज के लालच में तुम्हें एक सेल्समैन बना देती है रेदर देन मतलब ये कुछ कंपनीज जिनके बारे में आई एम डिस्कसिंग ये बिग टेकनीज है गूगल माइक्रोसॉफ्ट एमेजन तुम्हारी एस्पिरेशनल कंपनीज है इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू तुम स्किल सीखोगे व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखी बी एट क्लाउड्स क्लाउड cloud, मुझे मुझे आई वाज हैविंग नो आइडिया कि यार क्लाउड पे कैसे काम करते हैं बट आई गॉट टू नो अबाउट एज़्योर आई गॉट टू नो अबाउट जीसीपी आई गॉट टू नो अबाउट एडब्ल्यूएस क्लाउड इसके अलावा डिफरेंट अदर फील्ड जैसे फ्लटर मैंने फ्लटर की वर्कशॉप करवाई इसके अलावा आई लर्न एंड्रॉड एंड्रॉइड की वर्कशॉप करवाई तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्किल बिल्डिंग होती है इस वीडियो में पर्टिकुलर में बात करूंगी एडब्लूएस क्लाउड कैप्टन की इसको पहले एडब्ल्यू एस क्लाउड एम्बेसडर बोला जाता था एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट उस टाइम पर फर्स्ट होड था बहुत ही छोटा कोर्ड था एंड पीपल आर नॉट अवयर ऑफ इट बट नाउ इट इज मेन स्ट्रीम लास्ट ईयर से कंडक्ट कर रहे हैं एंड इस साल भी दे है ओपन अपलीकेशन लास्ट डेट ऑफ्लाइज ट्वेंटी थर्ड ऑफ फिर अगर तुम इसमें अपलाई करना चाहते हो तो देखते हैं क्या है प्रोसीजर सबसे पहले जितने भी ऐसे प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करने से तुम्हें क्या बेनिफिट होता है फर्स्ट चीज इज कम्युनिटी बिल्डिंग तुम्हें कम्युनिटी बिल्ड करना आ जाता है तुम्हें कम्युनिटी को एनगेज करना आ जाता है अगर तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो दीज कैन बी वेरियस ऑप्शन इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है तुम्हारी तुम काफी सारे लोगों के सामने जाके बोल सकते हो एंड कॉन्फिडली बात कर पाते हो यही पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आगे जाकर तुम्हें इंटरव्यूज में भी हेल्प

हाउ यू कैन पार्टिसिपेट यार ये एडब्ल्यू एस क्लाउड कप्टन का पे एंड देश ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेब पर्टिकुलर ऑपर्चुनिटी पार्ट लेके यू विल गेट टू एक्सपीरियंस यार एडब्ल्यू की टीम के साथ काम करोगे एडब्ल्यू की डेवलपर एडवोकेसी टीम होती है एक या फिर अकेडमिक एक्सीलेंस टीम होती है जिनके साथ हम कर रहे एंड यू विल भी ड्राइविंग वेरियस इनिशियटिव एडब्ल्यू एस ऑन योर कैंपस मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स कुछ ऐसे सेशन होंगे जो तुम्हें ट्रेन किया जाएगा एडब्ल्यू के थ्रू एंड यू विल बी टेकिंग दो वर्क्स इन योर कैंपस तो इसमें पूरा सपोर्ट करेगा बीट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट बीट इन टर्म्स ऑफ कि कैसे उस इवेंट को सक्सेसफुली अपने कैंपस पे करवा सकते हो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनकी वेबसाइट है जहाँ पे लास्ट ईयर के कुछ कुछ कैप्टन की फोटोग्राफ्स दे रही है तुम्हें भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया जाएगा इफ यू आर सिलेक्टेड दिस ईयर यहाँ पे एशिया पैसेफिक पे सिलेक्ट करके अगर तुम इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं गर्ल आई जी डी ट्यूडब्ल्यू में है जेईसीआरसी में काफी सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी है काफी सारे कॉलेजेस में इस साल एक्सपैंड करने वाले हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द सेम यहाँ पे जाके तुम क्लिक करोगे तो यू विल गेट इन टू द स्टूडेंट हब यहाँ पे जाके देख सकते हो कोहोर के एप्लीकेशन फिफ्थ फेफ्त से ट्वेंटी थर्ड तक है राइट right? कोहर थी एप्लीकेशन फॉर्म खोलोगे तो यू विल गेट एक ऐसा फॉर्म अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कुछ चीजें हैं रिटर्न एप्लीकेशन में एक्सप्लेनेशन ऑफ योर मोटिवेशन की तुम्हें क्यों क्लब कैप्टन बनना है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि तुम्हें अपनी मोटिवेशन बतानी है कि आ, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम मतलब तुम अपने कॉलेज में कोडिंग कल्चर को इम्प्रूव करना चाहते होलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो तो समवेयर अराउंड दट एंडोलमेंटर्स प्रोवाइड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स रिमेनिंग इंदर अकेडमी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ट्वेल्ल मंथ रिमेनिंग अंदर फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के स्टूडेंस एलिजिबल है प्रूफ ऑफ एडब्ल्यू एस नॉलेज एंड अदर क्लाउड नॉलेज में तो अगर तुम्हें हमारे पास बेसिक क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग है देन यू कैन अपलाई फॉर इट मैसा नहीं बोल रहा कि एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए बेसिक क्लाउड की भी नॉलेज है देन यू कैन अपलाई फॉर इट एंड ये तुम अपने रिटर्न एप्लीकेशन के दौरान भी बताना है कि यार वर्क प्रोजेक्ट्स या फिर तुम, तुमने किसी में पार्ट लिया है दैट वुड मेक एय एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कंप्लीशन स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन सेकंड चीज इसके साथ तुम्हें एक वीडियो भी सबमिट करनी होगी में तुम्हें क्या बोल रहे क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजन ऑफ द प्रेजेंटेशन टेक्निकल नॉलेज डेमोस्ट्रटेड एंड क्वालिटी इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें अपने बारे में बताना है कि तुम क्यों

तो तुम्हें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस रेफरल का नाम लिख सकते हो मतलब आई वाज आल्सो वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स तो मेरा नाम भी लिख सकते हो एंड अलोंग विद दैट यू कैन सबमिट अ अलिंगडिन प्रोफाइल और एन ईमेल एटसेट्रा बाकी और किसी का नाम लिखना है तो उस और किसी का भी लिख सकते हो राइट right? इसके अलावा तुम नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड में जाते हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे यह झलक कहेगा कि डू यू रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सम ऑफ द थिंग्स वुड भी रिलेटेड टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सम ऑफ द थिंग्स वुड रिलेटेड समिंग प्रीवियस एक्सपीरियंस सम ऑफ द थिंग्स समिंग्स रिलेटेड टू वॉट ऑल फ्यूचर गोल्स यू हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लब तो ये सब चीजों के बाद तुम्हें वैल्यूएट किया जाएगा कि क्या तुम सुटेबल कैंडिडेट हो या नहीं राइट right? तो ये सब चीजें राइट एंड अपनी एक वीडियो सबमिट करनी है वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए वीडियो तुम कहीं पे भी शूट कर सकते हो ट्राई टू तो बी मोर कॉन्फिडेंट इन दैट वीडियो दैट इज इंपॉर्टेंट राइट तो इसकी राइट्लिकेशन ट्वेंटी थर्ड है जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन जो प्रोग्राम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज गिट्ठब कैंपस एक्सपर्ट ये काफी अच्छा प्रोग्राम है जिसमें तुम्हें गिठ्ठप को लीड करने का चांस मिलता है तुम अपने कम्युनिटी इवेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हो मान लो तुम डेली बेस्ड जो डेली में तुम गिठप कैंपस एक्सपर्ट हो ना कि तुम अपने कॉलेज बट आसपास के कॉलेजेस में भी अगर गिट्ब कोई भी इवेंट स्पॉन्सर करता है तो यू आर द वन हु कैन हुन को स्पॉन्सर करना है या नहीं करना एंड तुम उसमें स्वैग्स भिजवा सकते हो तुम कम्युनिटी सपोर्ट सकते हो एंड यू बेसिकली लीड गिट इन दैट एंटायर रीजन तो ये बहुत सिलेक्टिव प्रोसेस है बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं अगर नहीं भी सिलेक्ट होते तो निराश नहीं होते बट इट्स जस्ट दैट यू शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर इट अगर तुम्हें कम्युनिटी मैनेजमेंट या कम्युनिटी एंगेजमेंट पसंद है तो

यू विल भी मतलब अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो तुम्हें गिठअप कैंपस एक्सपर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्या तुम्हें इस प्रोग्राम में करना है कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे होती है पब्लिक स्विंग कैसे होती है गिट्ठप में कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए एंड हाउ आफ्टर दैट ओनली यू आप्रूव फॉर इट एंड उसके बाद तुम गिठअप कैंपस एक्सपर्ट बन जाते हो तो मेजरली यार यही दो चीजें थी जो इस वीडियो में मुझे कवर करनी आई होप अगर तुम सोच रहे थे कि तुम्हें पार्ट लेना है तो डेफिनेटली पार्ट ले सकते हो लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है लास्ट डेट का वेट मत करना जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करो एंड यू विल गेट अ रिवर्ट अर्ली एज वेल दिस ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो वीडियो को लाइक आगे रखते हैं फिफ्टी हंड्रेड लाइक्स आई नो तुम करवा दोगे एंड मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में टिल ऑल द बेस्ट गुड लक एंड बाय